अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये हमारा मसंडे का प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत। आप देख सकते हैं इसके फूल कितने खूबसूरत हैं। ये इसके फूल जो हैं वो पुराने फ्लावरिंग किए हुए हैं, इसलिए ये मुरझा रहे हैं थोड़े। और ये वाला जो है बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इसके पत्ते भी बहुत खूबसूरत है। ये एवरग्रीन प्लांट है और सारे साल फूल देता है, और इसको हमें सर्दी से और गर्मी से बचाना चाहिए। जब ज़्यादा गर्मी पड़े तो इसको थोड़ी सी सेमी शेड में रखना चाहिए, और जब ज़्यादा जाड़ा पड़े तो इसको बिल्कुल छत के नीचे, जहाँ पर धूप आती हो, फुल धूप आती हो लेकिन कोहरा नहीं पड़ता हो, फॉग नहीं पड़ता हो, तो वहाँ पर इसको रख देना चाहिए ताकि इसकी जड़ें ख़राब ना हों। अक्सर ऐसा होता है कि ये डोरमेंसी पीरियड यानी रेस्टिंग पीरियड से फिर वापस ही नहीं आता है। जब इसके पत्ते झड़ जाते हैं तो फिर ये बेचारा मर जाता है। इसलिए गाइस इसको ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी से बचाना चाहिए, और इसकी सॉइल जो है वो वेल ड्रेन भुरभुरी होना चाहिए ताकि इसमें पानी ना रुके। अगर ये पानी रुकेगा तो ये गल जाएगा। इसके अलावा इसमें हर हर एक महीने के बाद पेस्टिसाइड हमें कर देना चाहिए ताकि इसकी रूट जो है वो ख़राब ना हो। और चूंकि ये हैवी फ्लावरिंग प्लांट है, इसलिए इसको खाद की भी बहुत ज़रूरत है। इसलिए हर महीने या 15 दिन के बाद इसको किसी न किसी तरह की खाद जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप देते रहें ताकि इसको अपनी खुराक पूरी पूरी मिले। तो गाइज़ हम NPK भी दे सकते हैं और सरसों की खली भी दे सकते हैं, और जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप दे सकते हैं। ऑर्गेनिक में तो सरसों की खली बहुत अच्छी रहती है, और इसके लिए पेस्टिसाइड का भी यूज़ करें और लिक्विड फर्टिलाइज़र जो हम प्याज के छिलकों से और लहसुन के छिलकों से बनाते हैं वो भी इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें कुछ दिन पहले इसके अंदर न्यूट्रेंट की कमी हो गई थी, इसलिए मैंने इसमें सरसों की खली दी और नीम की खली भी दी। नीम की खली से पेस्टिसाइड कम लगते हैं, वो खाद और पेस्टिसाइड दोनों का काम करती है। तो जनाब ये है मेरा मसंडे का प्लांट, और इसके साथ साथ मेरे पास रेड मसंडे का भी प्लांट है, लेकिन रेड मसंडे का प्लांट जो है वो इतनी फ्लावरिंग नहीं कर रहा है फिलहाल, और इसमें फ्लावरिंग होने वाली है, और ये कुछ लंबा भी हो गया है, लंबा हो गया है, बड़ा हो गया है। इसलिए मैं इसका गमला जो है मैं चेंज कर रही हूँ, पॉट इसका इससे बड़ा गमले में लगा रही हूँ, और इसके लगाने के बाद मैं इसके अंदर थोड़ी सी खाद और दूंगी। तो आप इसको जब फुल फ्लावरिंग पर आ जाएगा तो मैं आप इसको अब आपको इसकी अपडेट दिखाऊंगी। उम्मीद है ये खूबसूरत प्लांट आपको पसंद आया होगा। ये ज़मीन में भी लगाया जा सकता है और पॉट में भी लगाया जा सकता है। ज़मीन में तो ये बहुत ही ऊंचा हो जाएगा, फुल पेड़ की शक्ल ले लेगा, और इसमें कई कलर आते हैं, वाइट, ऑरेंज, लाइट पिंक, बहुत से कलर आते हैं। और इसके अंदर फूलों के अंदर येलो कलर की फ्लावरिंग होती है, फूल के अंदर फूल होता है जो बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन इसके फूल फिलहाल झड़ गए हैं, नहीं तो मैं आपको दिखाती। ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हैं ये इसके खिलने वाले हैं। इसका वाइट भी बहुत खूबसूरत होता है और इसका येलो भी बहुत खूबसूरत होता है। अब मैं तलाश में हूँ इन कलर्स के, जब मिल जाएंगे तो मैं आपको इसकी अपडेट दिखाऊंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।